सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। पुलिस कस्टडी से भागे युवक ने अपनी प्रेमिका के घर के सामने खुदकुशी की। दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ा था रमाजना डूंगर थाना पुलिस ने। प्रेमिका ने एक सप्ताह पूर्व ही दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने एक दिन पूर्व पकड़ा आरोपी मनराज मीना को। श्यामपुरा निवासी मृतक मनराज मीना था। पुलिस की कस्टडी से फरार होकर रात को ही अपनी प्रेमिका के घर के सामने पहुंचा और घर के सामने पेड़ से लटककर आरोपी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव बरामद कर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस मामले में एसपी ने एक एएसआई और कांस्टेबल को लाइन हाजिर भी किया। तो काफी अलग सा ये मामला क्या है, क्योंकि दुष्कर्म के आरोप में इस व्यक्ति को जिसका नाम मनराज मीणा है उसे गिरफ्त में पुलिस ले लेती है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से भागकर पुलिस के चंगुल से भागकर वो पहुंचता है अपनी प्रेमिका के घर के बाहर और अपनी प्रेमिका के घर के बाहर सुसाइड कर लेता है। अभिनव हमारे सहयोगी सवाईमाधोपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या पूरी जानकारी, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिसने पुलिस कस्टडी में पहले वहां से भागकर अपनी प्रेमिका के घर के सामने सुसाइड की, पुलिस अब तक क्या कह रही है इस पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा एक युवक जो मनराज मीणा जिसका नाम है उसके खिलाफ 7 दिन पूर्व पीड़िता के परिजनों ने एक रवाना डूंगा थाने में मामला दर्ज कराया था। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर 16 तारीख को पुलिस कस्टडी में लेके आई थी, इससे पूछताछ कर रही थी, परंतु परसों देर शाम वह टॉयलेट करने के बहाने पुलिस को धक्का देकर वहां से फरार हो गया था। कल देर रात्रि को उसने लगभग 11-12 बजे के करीब पीड़िता के घर के बाहर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को उतार जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पे पुलिस के पीड़िता के परिजनों के कहना है कि अब जब तक पुलिस दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक हम किसी भी कंडीशन में शव को लेने को तैयार नहीं होंगे, इतना पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परंतु वहां पर मौजूद डिप्टी ग्रामीण अनिल डोजिया, राजवीर सिंह चंपावत वगैरह परिजनों से समझाइश कर रहे हैं कि जैसे तैसे इसको मामले को सुलझाया जाए, परंतु ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जी अभिनव, ग्रामीणों की मांगे आपने बता दी, पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं इससे निपटने के लिए और क्या कोई समझाइश के प्रयत्न अब तक किए गए हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है अभी तक शव का? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पुलिस के अधिकारी निरंतर उनसे समझाइश के प्रयास कर रहे हैं, उनके परिजनों को समझा रहे हैं, जैसे भी उनसे बातचीत बन रही है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, जैसे ही कुछ समझाइश होती है अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की पुलिस जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।